कि हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, परिवार के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन सब की वजह से हम लोगों में स्वास्थ्य कर्मियों में तमाम तरह की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटिक के शिकार होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोगों का जो रेजिडेंस है बहुत छोटा है, एक कमरे का, मतलब एक बेडरूम का मकान है हम लोगों का और एक बेड का। हम लोगों को कम से कम 2 बेडरूम का मकान चाहिए, बच्चे भी उसी में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। नहीं, रात को जब पेशेंट आता है, बुलाया जाता है, तो बच्चों की भी नींद खराब होती है, उनकी पढ़ाई हो रही, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। बार भी जेई को, सीएमओ साहब को भी सब लिख के दिए कि भाई हम लोग के रेजिडेंस को मरम्मत करने के लिए, मगर आज तक भी कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले जेई थे, तो जेई की शायद अभी ट्रांसफर हुआ है, ये सब है। एंड हॉस्पिटल में भी हम लोगों की थोड़ा सा दिक्कतें हैं, थोड़ा बहुत डॉक्टर्स की कमी है। ये विशेषज्ञ की कमी तो लगभग एक साल से है। मेरे द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और शासकीय पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराया जा चुका है, उच्च अधिकारियों को भी अवगत है, परंतु उत्तर प्रदेश में ही विशेषज्ञ की कमी है, इसलिए उनकी भी मजबूरी है, फिर भी वो दे रहे हैं। विशेषज्ञ जितने हैं, हम काम चला पा रहे हैं।